क्या भारत को धर्म के नाम पर फिर से तोड़ देगा चीन? इस वक्त ये सवाल बहुत ज्यादा चल रहा है और ये बात ऐसे ही नहीं हो रही है बल्कि इसके पीछे कई वजह है। देखिए, आज सारी दुनिया में अक्सर धर्म बदलने के मामले सुनने को मिलते रहते हैं जो भारत में बहुत ज्यादा तादाद में सुनने को मिल रहे हैं, लेकिन भारत में इससे भी बढ़कर एक नई साजिश की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है साहब कि भारत में ईसाई धर्म के नाम पर एक नया देश बनाने की साजिश चल रही है, ठीक उसी तरह जैसे कि सिख धर्म के नाम पर कुछ लोग खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। अब उसी तर्ज पर ईसाई लोग भी कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं। ये काम भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज्यादा हो रहा है, जहां पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ईसाइयों की संख्या दूसरे धर्म के लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है और लगातार तेजी से बढ़ भी रही है। यहीं का एक राज्य मणिपुर है जो एक लंबे टाइम से हिंसा की आग में चल रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसको लेकर पूर्वी और पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया था कि वो बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को काट कर एक पूर्वी तिमोर नाम के ईसाई मेजॉरिटी वाले देश को बनाने की कोशिश लगातार चल रही है। और अब कहा जा रहा है कि ऐसी ही कोशिश एक भारत में भी हो रही है। भारत में लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में शामिल होने को लेकर किसी पर दबाव बनाने का कोई कानून नहीं है। आप इंडिया में किसी भी धर्म में आजादी से जा सकते हैं और रह सकते हैं, लेकिन एक चीज जो इंडिया में है वो है सेंसिटिविटी। हम अपने रिलीजन को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर कुछ देश अब इंडिया में दंगे भड़काकर उसे तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज हम इन्हीं सब पहलुओं को लेकर बात करेंगे कि अलग देश बनाने को लेकर ईसाई धर्म की ये मंशा कितनी भयानक साबित हो सकती है और आखिर ये इतना जरूरी क्यों है। पिछले दिनों हमने देखा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक आरोप लगाया था। उनका कहना था कि बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर पूर्वी तिमोर नाम का एक अलग एक ईसाई देश बनाने का प्लान चल रहा है। शेख हसीना ने जिस नए बनने वाले देश के बारे में आरोप लगाया था उसमें सिर्फ बांग्लादेश और म्यांमार ही नहीं बल्कि भारतीय नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों जिनमें की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय को भी शामिल करने की साजिश रची जा रही है। इन 5 राज्यों में अगर देखा जाए तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय राज्य में ईसाइयों की पॉपुलेशन पहले से मेजॉरिटी में और इसी वजह से यहाँ पर लोगों का ईसाई धर्म में शामिल होना सबसे ज्यादा देखा गया। जिस तेजी से नॉर्थ ईस्ट राज्य में लोग ईसाई धर्म में शामिल हो रहे हैं इस बात पर तो माना जा रहा है कि जल्द ही आने वाले टाइम में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर भी ईसाई मेजॉरिटी वाले राज्य बन जाएंगे। अब सवाल आता है कि क्या इसमें हमारे पड़ोसी देश चीन का कोई प्लान है? क्या वो इस कन्वर्जन के पीछे कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में हमने देखा है साहब कि तख्ता पलट की घटना घट चुकी है। बांग्लादेश से पहले पाकिस्तान की इमरान सरकार ने जब अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान में कदम उठाया था तो वहां की जनता ने ही बगावत कर दी और इमरान सरकार को खत्म कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सेना ने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब इसी तरह बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी कहना है कि बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को तोड़कर पूर्वी तिमोर नाम का एक नया ईसाई मेजॉरिटी वाला देश बनाने की कोशिशें हो रही हैं। शेख हसीना के इस आरोप के बाद वहां की जनता भी गुस्से से भर गई है और जनता ने बगावत कर दी। यहां तक कि बांग्लादेश की शेख हसीना को अपना देश छोड़कर इंडिया में आना पड़ा, जिसके बाद बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार बना दी गई। खैर, शेख हसीना का कहना है कि जनवरी में अब इलेक्शन हुए तो वेस्टर्न कंट्रीज पर आरोप लगा कि इस बार शेख हसीना को इलेक्शन में जीतने के लिए उन्हें हमारा एक एयरबेस बांग्लादेश में बनाना होगा, इसी बेस पर आपको इलेक्शन जिताया जाएगा। लेकिन इस बात पर शेख हसीना ने किसी देश का नाम नहीं लिया, बस इतना ही जाहिर किया कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए लालच दिया गया था। पर कहने वाले कहते हैं कि यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही थी और जिस जगह पर अमेरिका बेस बनाना चाहता था वो है बांग्लादेश का सेंट मार्टिन आइलैंड। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालातों पर ध्यान दें तो दोनों ही देशों में सरकारें गिरा दी गई हैं, दोनों ही देशों में लगभग एक जैसी कंडीशन पैदा हो गई है और अब सोचने की बात है क्या भारत में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं ईसाई। आइए अब हम बात करते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, जहां पर लगातार लंबे समय से ये खेल चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम में इस टाइम ईसाई पॉपुलेशन तकरीबन 90% है। ये पॉपुलेशन नागालैंड में 1951 में 46.4% थी और 2011 में बढ़कर यही पॉपुलेशन 87.9% हो गई।
बात करें मेघालय की तो यहाँ पर ईसाई पॉपुलेशन 1961 में 35.61% थी और ये पॉपुलेशन 2011 में बढ़कर 74.59% हो गई है। अब भारत के तीन राज्यों में ही आज भारत की सबसे ज्यादा ईसाई आबादी रहती है और बाकी बचे दो स्टेट यानी अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की इनकी बात करें तो 1971 में अरुणाचल प्रदेश में ईसाई पॉपुलेशन तकरीबन 9.78% थी। ये पॉपुलेशन 2011 में बढ़कर 30.36% हो गई। मणिपुर में ईसाई पॉपुलेशन 1951 में 11.84% थी जो 2011 में बढ़कर 41.28% हो गई। सब इस टाइम मणिपुर में हिंदू मुस्लिम या यूं कह लीजिए कि कुकी और मैत्री समुदाय के बीच विवाद को लेकर चर्चा में बना हुआ है। लगभग एक साल से ये राज्य हिंसा की आग में चल रहा है। यहाँ पर भी विवाद की वजह धार्मिक और जातीय हिंसा ही है। इन पांच राज्यों को एकजुट करने के लिए असम का एक जिला कारलांग है जिसको चुना गया है। बीते 40 सालों में यहाँ पर ईसाई 7% से बढ़कर 17.5% हो गए। इससे साबित होता है कि असम राज्य का भी एक जिला धीरे धीरे इस गुट में शामिल होता जा रहा है। क्या भारत का विभाजन ईसाई धर्म के आधार पर भी हो जाएगा? हम सब जानते हैं कि भारत ने एक बार पहले भी बंटवारे का दुख झेला है। ये बंटवारा भी धर्म को लेकर ही था जिसमें हिंदू और मुस्लिम देशों का बंटवारा हुआ। मुस्लिम देश पाकिस्तान बना दिया गया था और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान यानी इंडिया देश रह गया। लेकिन कुछ अपने देश प्रेमी लोगों ने धर्म के आधार पर अलग होना पसंद नहीं किया और अपने देश भारत में ही रह गए और बंटवारे के बाद नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन इस बंटवारे के रिजल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुए और तो और आज तक इस बंटवारे की दिक्कतें कहीं ना कहीं हमारे देश में बनी हुई है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आजादी के बाद से नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में कुछ लोगों ने क्रिश्चियन आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी छेड़ना शुरू कर दिया था। हमारे देश भारत में भी आए दिन खालिस्तान की भी मांग कुछ अलग अलग संगठन मांग उठाते रहते हैं। आखिर ये सब कैसे और कब शुरू हुआ ये भी जानते हैं। 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान बना तो पंजाब प्रांत भी दो हिस्सों में बंट गया था। इसका एक बड़ा हिस्सा एक पाकिस्तान में चला गया और दूसरा हिस्सा भारत में आ गया था। लाहौर जो अब पाकिस्तान में चला गया था वो सिख साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। ऐसे में पंजाब प्रांत के आजादी के बाद राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर दो टुकड़े हुए। आज के पंजाब और हरियाणा जो कि पंजाब प्रांत के राज्य हुआ करते थे धीरे धीरे भाषा के आधार पर इन्होंने भी अपने अपने अलग राज्य की मांग कर दी। इसी मांग का नेतृत्व अकाली दल राजनीतिक पार्टी ने किया था। सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की लड़ाई 19 साल तक चली और 1966 में पंजाब को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। वहीं पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक दूसरा राज्य बना और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। अब 1966 में सिखों को पंजाब तो मिल गया पर कुछ वक्त बाद पंजाब में शांति भी रही लेकिन अंदर ही अंदर सिखों की कुछ और मांगे भी सामने आने लगी। अलग स्टेट बनने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में टांडा विधानसभा क्षेत्र से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगजीत चौहान भी खड़े हुए लेकिन वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद जगजीत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए और वहां जाकर उन्होंने खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में जगजीत चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के लिए फंडिंग की मांग करते हुए एक एड भी दिया। 1979 में जगजीत सिंह चौहान ने ब्रिटेन में खालिस्तान नेशनल काउंसिल को एस्टैब्लिश किया और इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिकन ऑफ खालिस्तान का प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। इतना ही नहीं उसने खालिस्तान पासपोर्ट स्टाम्प और खालिस्तान नोट भी जारी किए। जी हाँ ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तान एम्बेसी भी खोली। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि खालिस्तान और पंजाब में पैदा हो रहे हैं नए विवाद का फायदा भारत के कई दुश्मन देशों ने भी उठाया। अब ये तो पंजाब और भारत से बाहर की बात है। इसी बीच पंजाब के भीतर ही राजनीति में बहुत कुछ शुरू हो गया था। जिस अकाली दल ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर पॉपुलैरिटी हासिल की थी उसे इसमें कामयाबी भी मिली थी। अब उसी अकाली दल ने पंजाब को लेकर कुछ और मांगे उठानी शुरू कर दी। बात है 1973 की जब अकाली दल पंजाब को कुछ स्पेशल राइट्स दिलाने की मांग कर रहा था। पंजाब में पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव में पंजाब को ज्यादा अधिकार देने के लिए सुझाव दिए गए थे। अकाली दल ने अपने प्रस्ताव में कहा था कि केंद्र सरकार सिर्फ डिफेंस पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी कम्युनिकेशन और करेंसी पर अपना कंट्रोल रखे बाकी सब मामलों को राज्य के अधिकार में ही छोड़ दे।
अब इस प्रस्ताव में पंजाब को ऑटोनॉमी देने की बात भी की गई थी। मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये खुलकर अलग देश की बात नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI समेत कई देशों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। 2007 में गुरु पदवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दावा किया गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने के लिए बनाया गया, लेकिन पन्नू ने इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पन्नू को पाकिस्तान और दूसरे देशों से फंडिंग और सपोर्ट भी मिलना शुरू हो गया, जिसके बाद साल 2019 में भारत सरकार ने पन्नू के ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था। अक्टूबर 2019 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा भी जारी किया। इस नक्शे में ना सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया। लेकिन इस आंदोलन पर भारत सरकार ने कंट्रोल कर लिया और देश को फिर से धर्म के आधार पर बांटने से बचा लिया। अगर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में भी देखा जाए साहब, तो ईसाइयत का अभियान भी अलगाववाद को ही बढ़ा रहा है। अब सवाल आता है कि भारत के टुकड़े धर्म के आधार पर ही होते रहेंगे क्या? इस वक्त नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कई ईसाई संगठन बन चुके हैं। ये संगठन इस्लामिक आतंकवादी संगठन की तरह ही ईसाई उग्रवादी संगठन है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के उग्रवादियों ने 1999 में वनवासी कल्याण आश्रम के 4 अधिकारियों को किडनैप कर लिया, उन्हें बांग्लादेश ले गए और वहां जाकर उनको जान से मार डाला। ये घटना यही नहीं रुकी, यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का मकसद एजुकेशन, जॉब्स और हेल्थ को लेकर वनवासी समाज कल्याण को काम नहीं करने देना था। अब भारत सरकार ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ समझौता कर लिया, लेकिन आने वाले टाइम में साहब ये लोग कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाकर नए विवाद को जन्म नहीं देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर भी विरोध को लेकर ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को यहाँ की सबसे बड़ी नदी में विसर्जित करने के बजाय एक छोटी सी नदी में विसर्जित करना पड़ा था। हमारे देश भारत को हिंदू मुस्लिम आधार पर बंटवारे के बाद ईसाई धर्म के आधार पर फिर से बंटवारे का दर्द झेलना ना पड़े, इसके लिए भारत सरकार को मजबूत और एक्टिव होने की जरूरत है। इसके साथ ही उसे नॉर्थ ईस्ट पर इस वक्त थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर भारत म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्से अलग होकर एक नया ईसाई देश बन जाता है तो ये मौजूदा दौर में हमारे पड़ोसी देश चीन, जो कि भारत को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ता और ऊपर से वो स्ट्रेटेजिकली काफी मजबूत भी हो जाएगा, जहां से वो इंडिया पर दो तरफ अटैक भी कर सकता है। हम ये भी जानते हैं कि चीन हमारे इस पड़ोसी देशों में अपने कदम मजबूत करने पर लगा हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो ये नई सरकार आई है पाकिस्तान को चीन की ही सपोर्ट वाली सरकार है। और हम ये भी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद की घटनाओं में लगातार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ रहता है। इसी तरह चीन इन ईसाई संगठनों का भी सपोर्ट करने लगे तो हमारे देश को तोड़ने में पूरा रोल निभा सकता है। चीन तो लगातार साहब भारत को ड्रैगन वाली आंखों से देखते ही रहता है। चीन आए दिन अरब सागर में भी और बंगाल की खाड़ी में भी अपनी मौजूदगी जताता रहता है और भारत में कई इलाके पर कब्जा करने की लगातार कोशिश में लगा रहता है। हम जानते हैं कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया है और दलाई लामा को भागकर भारत में ही शरण लेनी पड़ी। भारत के दलाई लामा को शरण देने की वजह से चीन भारत से और ज्यादा नाराज रहता है और भारत को नुकसान पहुंचाने में लगातार फिराक में लगा रहता है। वैसे में देखना होगा साहब कि इंडिया इसके लिए क्या कदम उठाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो करते जरूर जाएं।